90s के दशक में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज देने वाले अभिनेता विवेक मिश्रा ने अपने करियर के दिनों में सब कुछ हासिल कर लिया था और इतना कुछ पाकर आज वो दुनिया के किस कोने में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं ये किसी के कानों कान खबर तक नहीं है, पर फिर भी उनके चाहने वाले लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता विवेक मिश्रा के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप उनके परिवार के इतिहास के बारे में जानते हैं कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और ये कैसे अपने बैकग्राउंड से बाहर निकलकर मुंबई में बसे हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी फैमिली हिस्ट्री बताएंगे, पर पहले आप उनके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत ही कम समय में लोगों के चहेते बने अभिनेता विवेक मिश्रा ने अपना दबदबा बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बखूबी बनाए रखा था, जिनकी फिल्मों को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात करें इनके फैमिली हिस्ट्री की, तो इनके परिवार की शुरुआत होती है इनके परम पूज्य पिता दीपक मिश्रा से, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक सिंपल सी लड़की अनसुया से शादी कर अपना घर बसाया था, जिनसे उन्हें तीन बेटे विवेक, सुनील और प्रदीप मिश्रा हैं। पिता के बाद बात करें इनकी मां अनसुया मिश्रा की, तो वो एक अच्छी हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक आदर्श माँ है जो अपने बच्चों की परवरिश भली भांति कर रही है। माता पिता की बात करें इनके दोनों भाइयों सुनील और प्रदीप मिश्रा के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इन दोनों भाई अपनी निजी जिंदगी में खुश है और हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते हैं। अब फैमिली हिस्ट्री के बाद बात करें मिश्रा परिवार की जान कहलाने वाले अभिनेता विवेक मिश्रा के बारे में, जिनका जन्म 9 अगस्त 1967 को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। बात करें इनके करियर की, तो ये रेणुकूट से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई आकर बस गए थे, जहां इन्होंने साल 1991 में आई फिल्म सौदागर से बॉलीवुड पर डेब्यू किया था और अपनी इस फिल्म से इन्हें वासु के रूप में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल हो गई थी, जिसमें इनके किरदार के साथ साथ इनकी एक्टिंग को दर्शकों ने इतना पसंद किया था कि ये वासु के नाम से ही घर घर के जान बन गए। इसी के साथ बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं ने इन्हें पहला प्रेम पत्र, प्रेम दीवानी और राम जाने जैसी कई फिल्मों में काम करने का मौका दिया और इन सभी फिल्मों में काम करने के साथ साथ इन्होंने अपने करियर के दिनों में तकरीबन 25 फिल्में की और इन सभी फिल्मों में इनका बेहतरीन अभिनय होने के चलते ये लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना बैठे थे। इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इनकी शादी हो चुकी है और इनके अभी कोई बच्चे नहीं है और न ही इनकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है, मगर आपको बता दें कि आज ये अपनी पत्नी के साथ लाइमलाइट से कोसों दूर रहकर दुनिया के किसी कोने में खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं और आखिरी बार साल 2018 में आई फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अभिनेता विवेक मिश्रा के परिवार का इतिहास जानकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।